हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री बजरंग जी भाई जी की ज्येष्ठ पुत्र अपने कुछ भाव संतों के चरणों पर प्रस्तुत करना चाहते हैं। जय गिरिराज धरण। श्रीमद् भागवत कथा वेद और उपनिषदों का सार है तथा सकल शास्त्रों का सुफल है। श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य अतुलनीय एवं अवर्णनीय है। श्री गिरिराज धरण की असीम अनुकंपा से श्रीमद् भागवत कथा का अनंत श्री विभूजित जगत गुरु द्वाराचार्य मलूक पीठाधीश्वर स्वामी श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज के श्रीमुख से अमृत भागवत सुनकर हम सभी मोहित हो रहे हैं। भक्त ने कहा है भगवान से, जब आप हमारी शंका दूर करते हैं तब आप शंकर लगते हैं, जब मोह दूर करते हैं तो मोहन लगते हैं, जब विष दूर करते हैं तो विष्णु लगते हैं, जब भ्रम दूर करते हैं तो ब्रह्मा लगते हैं, जब दुर्गति दूर करते हैं तो दुर्गा लगते हैं, जब गुरूर दूर करते हैं तो गुरुजी लगते हैं। किसी ने सही कहा है, कर भरोसा राधे नाम का, धोखा कभी नहीं खाएगा, हर मौके पर कृष्ण तेरे घर सबसे पहले आएगा। राधे राधे। वाह। हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ओम नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एवच नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तपुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां शतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका।
यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यन्द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकमध्यात्मदीप मतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न ने बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जा सुबचन रवि कर निकर श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय श्री वृंदावन धाम
साकेत बिहारणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री चौरासी कोश ब्रजमंडल धाम की जय। श्री मद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजर्षि श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सूत सौनकादि ऋषि की जय। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री पंडित जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव बाबा श्री ठाकुर दास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय।
समस्त ब्रजवासीन की जय। वैदिक सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से प्रेम के घनीभूत स्वरूप साक्षात युगल स्वरूप श्री गिरिराज जी के सन्मुख उनकी छत्र छाया में उनकी अंक में बैठकर हम आप सबको पूज्य संतों की महत्व पुरुषों की पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा के माध्यम से सुलभ हो रहा है। आज हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है, आह्लाद हो रहा है कि परम विद्वान और परम साधु, विद्वत्ता और साधुता का जहां एक साथ संगम हो, ऐसे पूज्य आचार्य चरण श्री प्रद्युम्न जी महाराज कृपा पूर्वक हम सबके मध्य विराजमान हैं। गुरुजनों में कितनी शक्ति होती है इसका आप प्रमाण हैं। आपने ऐसी दिव्य शिक्षा प्रेरणा योग ऋषि श्री रामदेव बाबा जी को प्रदान की कि आज उनके माध्यम से समग्र विश्व में प्राचीन भारतीय योग दर्शन का प्रचार प्रसार हो रहा है और लोग आकृष्ट भी हो रहे हैं, लाभान्वित भी हो रहे हैं। किसी भी सफल व्यक्तित्व के पीछे केवल उनका पुरुषार्थ अथवा प्रारब्ध काम नहीं करता है, किसी समर्थ पुरुष का वरदहस्त ही उसके पीछे मूल में होता है। तो श्री रामदेव बाबा जी के गुरुदेव और व्याकरण न्याय वेदांतादि विषयों के प्रकांड विद्वान आचार्य जी बैठे, आज हमें दर्शन हुआ तो बड़ी भारी प्रसन्नता हुई कि हमारे यहाँ महापंडित श्री हरदत्त मिश्र जी ने प्राची व्याकरण का जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी, उसके ऊपर पद्मंजरी नाम की टीका उन्होंने काशिका वृत्ति पर पद्मंजरी नाम की टीका उन्होंने लिखी और बहुत वैदुष्यपूर्ण टीका है पंडित श्री हरदत्त मिश्र की। इतनी वैदुष्यपूर्ण है, हमारे धर्म संवाले गुरु जी कहते थे कि पद्मंजरी सहित काशिका कोई पढ़ ले तो अलग से महाभाष्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इतनी सुंदर टीका है और इतने अद्भुत विद्वान हैं। वे स्वयं कहते हैं कि यह शब्दारण्य शब्दारण्यानी इतनी विलक्षण है, इसमें बड़े बड़े लोग खो जाते हैं लेकिन हरदत्त हरि ही स्वैरम बिहरन केन वार्यते। इस व्याकरण शास्त्र रूपी महान जंगल में हरदत्त मिश्र नाम का हरि सिंह स्वच्छंद विहार कर रहा है, केन वार्यते, उसे कौन रोक सकता है, कौन उसका मार्ग रोक सकता है। वे कहते हैं कि संस्कृतज्ञ पुरुषों को मनुष्य के आकार में दिखने पर भी उन्हें मनुष्य नहीं मानना चाहिए,
बाबा बहुत प्यारा श्लोक है हरदत्त मिश्र जी का। वे कहते हैं, हमें श्लोक बहुत प्रिय है, इसलिए कोई भी संस्कृतज्ञ पुरुष प्राप्त होते हैं तो उनको दर्शन करते ही हमें यह श्लोक स्मरण में आ जाता है। रूपांतरेण ते देवा विचरन्ति महीतले, ये व्याकरण संस्कार पवित्रत मुखा नरा। ये व्याकरण संस्कार पवित्रत मुखा नरा ते रूपांतरेण देवा एव महीतले विचरन्ति। व्याकरण शास्त्र के अनुशीलन से जिनकी वाणी अत्यंत विशुद्ध हो चुकी है, ऐसे जो विद्वान मनुष्य हैं उन्हें मनुष्य नहीं मानना। रूपांतरेण ते देवा एव महीतले विचरन्ति, वेश परिवर्तित करके वे देवता ही मानवाकार में धरती पर विचर रहे हैं। हम अपने आप को भाग्यशाली अनुभव कर रहे हैं कि ऐसे परम विद्वान आचार्य आज इस सत्संग मंडप की शोभा बढ़ा रहे हैं। हम उनको प्रणाम करते हैं। उनके निकट बैठे हुए श्री मदन मोहन दास जी, अब उनको दंडवत प्रणाम करेंगे। वैसे तो वेश भगवान का है तो सब संतों को दंडवत है, लेकिन वो और कुछ कहेंगे तो उनको बहुत संकोच होगा, इसलिए हम उनको संकोच में नहीं डालेंगे। लेकिन इतना जरूर है, इनके स्वरूप को देख के कई बार लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि गुरुजी बोल रहे हैं कि चेला जी बोल रहे हैं। ऐसे हमारे श्री मदन मोहन दास जी, उनके निकट विराजे हैं श्री राघवेंद्र दास जी, जो ब्रजवासी विप्र भी हैं और विरक्त संत भी हैं और गौ सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे हमारे राघवेंद्र दास जी और ये जो साज सज्जा और उत्तम व्यवस्था जो दिख रही, बाबा की तो है ही है पर श्री रसिया बाबा का भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ब्रजवासी विप्र हैं, श्रीनाथ जी के श्रीअंग सेवी हैं और श्रीनाथ जी के दोनों स्वरूपों की सेवा करते हैं। श्रीमद् भागवत उनका वांग्मय स्वरूप है, उसकी भी निरंतर सेवा में लगे हुए हैं और उनके मंगलमय श्रीअंग की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। गौ ब्राह्मण और संतों की सेवा में पूरा परिवार समर्पित है। ऐसे अत्यंत सहज सरल और श्रीमद् भागवत के परिमार्जित वक्ता श्री रसिया बाबा जी बैठे हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। उनके निकट में स्वामी श्री शुद्धानंद जी महाराज विराजमान हैं, जो बहुत विद्वान संत हैं और उड़ीसा प्रदेश में पूरे प्रदेश स्तर पर गोरक्षण और गो संवर्धन का कार्य भगवान आपके द्वारा करा रहे हैं। जगन्नाथपुरी की सबसे विशाल गौशाला नंदीशाला आपके द्वारा स्थापित है और पूरे विश्व में क्रिया योग के माध्यम से वैदिक सनातन धर्म का प्रचार प्रसार आपके माध्यम से भगवान करा रहे हैं, आपके पूरे परिकर के माध्यम से, पूज्य श्री परमहंस जी के माध्यम से। जहाँ बहुत विद्वान संत तो हैं ही हैं, वहीं इनकी मेधा इतनी प्रखर है, गुरुजी की आज्ञा हुई तो जर्मन विश्वविद्यालय से भी आपने टॉप किया जर्मनी भाषा में, तो यह भी एक बड़ी विलक्षण बात है। बहुत विलक्षण आपकी मेधा है, अनेक भाषाओं पर आपका अधिकार है। ऐसे पूज्य स्वामी शुद्धानंद जी महाराज और उनके बगल में कुर्सी पर विराजमान, हमें स्मरण है कि सूर्य श्याम में कथा हो रही थी तो हमसे बोले, बाबा मैं चेयर पर बैठ जाऊं? हमने कहा विराज जाओ। बोले चेयरमैनी के चुनाव चल रहे हैं,
तो कुर्सी पे बैठते ही चेयर पे बैठते ही चेयरमैन है जाऊंगा उनको, बहुत अच्छी बात बाबा। ब्रजवासियों के अत्यंत लाडले प्यारे बाबा पूज्य श्री कन्हैया बाबा बहुत अच्छे संत हैं, हमारे ब्रज की शोभा हैं। इस समय ब्रजवासी इतना स्नेह सबसे नहीं करते हैं, ब्रजवासियों की निश्चल निष्कपट प्रीति जिस साधु के प्रति हो जाए उसकी साधुता पूर्ण प्रमाणित है, क्योंकि संतों की टकसाल है ब्रज। ब्रजवासी जो है ना वो खरे खोटे को बहुत जल्दी प्रमाणित कर देते हैं, तो ब्रजवासियों का अपार स्नेह पूज्य बाबा को प्राप्त है, और बाबा भी ऐसे ही ब्रजवासियों से बहुत प्रेम करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम के अनुसार पूज्य बाबा को हम प्रणाम करते हैं। कल ही हम याद कर रहे थे कि कथा गिरिराजी में है रही है और बाबा के दर्शन क्यों नहीं हो रहे, तो आज बाबा का मंगलमय दर्शन हुआ। श्री अनंत दास जी बैठे हैं, इनके बारे में तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि भागवत जी में लिखा है अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में कृतागसोप यद्राजन मंगलानि समीहसे। अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में दुर्वासा जी महाराज कह रहे हैं भगवान अनंत के दासों की अनंत महिमा को आज हमने अनुभव कर लिया। तो बाबा ऐसे ही सदा प्रफुल्लित और प्रसन्न रहते हैं। भगवत प्रसाद जिन्हें प्राप्त होता है वे ही इस प्रकार की प्रसन्नता में निरंतर रह सकते हैं। ऐसे निरंतर भगवत कृपा प्रसाद से धन्याति धन्य बाबा श्री अनंत दास जी को भी हम प्रणाम करते हैं, एवं विराजमान सभी पूज्य ब्राह्मणों को, ब्रजवासियों को, संतों को यथा योग्य वंदन करते हैं। अब अधिक समय न लेकर के सीधे हम कथा आरंभ करते हैं। वैसे तो सब ठीक ही है, लेकिन मशीन का कीर्तन गिरिराजी की परिक्रमा में न हो, ऐसे ही बिना माइक के प्रेमी झाल मजीरा और खोल करताल बजा के कीर्तन करते हुए चलें तो उसमें बहुत शोभा है। अब डेक पूरी पूरे जोर पर डेक बज जाते हैं तो वो ठीक है, अनुचित कहने का अधिकार हमको नहीं, इतने ऐसे ही समझ लें कि अनुचित है ऐसा कहने का अधिकार हमको नहीं है, लेकिन अपने मन की बात कह रहे हैं। भाव यही है कि ये इतना अधिक हो हल्ला, इससे इसकी अपेक्षा या तो मानसिक जप करते हुए मौन होकर के परिक्रमा करें, या फिर कुछ करना ही है तो अत्यंत सात्विक प्राचीन पद्धति से खोल करताल बजाते हुए हरिनाम संकीर्तन करते हुए परिक्रमा करें। पुरानी पद्धति यही थी बाबा, अब कुछ वर्षों में ये बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज श्रद्धे श्रीमद् भागवत के बहुत अच्छे प्रवक्ता श्री श्याम सुंदर पाराशर जी ने तृतीय स्कंध पूर्ण कर दिया था। आज द्वितीय दिवस है, भरताख्यान पर्यंतम द्वितीय हनिवाचयेत। भरताख्यान पर्यंत कथा होनी चाहिए, गिरिराजी जहां तक ले जाएं। श्रीधर स्वामी पाद के अनुसार चतुर्थ स्कंध पुरुषार्थ चतुष्टय का निरूपक स्कंध है।
भावार्थ दीपिका टीका में श्रीधर स्वामी जी कह रहे हैं कि अनुबंध पुरुषार्थ चतुष्टय के स्वरूप को सम्यक रीति से समझना हो तो चतुर्थ स्कंध का अनुशीलन करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म के वंश का अवतरण, धर्म का अवतरण, धर्म की 13 पत्नियां और धर्म के वंश में भगवान नर नारायण का प्रादुर्भाव, ये धर्म का निरूपण है। धर्म का प्रयोजन क्या है? बहुत प्रसिद्ध है, यतो व्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मः। अभ्युदय और निःश्रेयस माने आत्यंतिक कल्याण, इन दोनों की युगपत सिद्धि जिसके द्वारा हो उसे धर्म कहते हैं। और व्यास जी के अनुसार धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोर्थायोपकल्पते। धर्म का फल अपवर्ग है, संसार चक्र से छूटना, मुक्त हो जाना संसार चक्र से, यही धर्म का फल है। अब धर्म अपने फल तक नहीं पहुंचा सका, ध्यान में आई बात, हमारा धर्म हमें संसार चक्र से मुक्त नहीं कर सका, तो जरूर हमारे धर्माचरण में कहीं न कहीं त्रुटि है, हमने धर्म का ठीक से आचरण नहीं किया। यदि हम ठीक से धर्माचरण करते तो हम संस्कृति के चक्र से, जन्म मृत्यु के चक्र से अवश्य ही मुक्त हो गए होते, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि अर्थ प्राप्ति धर्म का फल नहीं है, धर्म का फल है मोक्ष। अर्थ किस लिए है? ये और चला जाता है, कहाँ गया? अर्थ किस लिए है? अर्थ जो है वो धर्म के लिए है। लोगों की समझ क्या है? लोगों की समझ ये है, धर्म का फल है अर्थ, चलो हमने मान लिया। अर्थ का फल क्या है? बोले अर्थ का फल है काम। आपके पास सामर्थ्य है तो आप अपनी किसी इच्छा को अधूरी मत छोड़ो, सब पूरी कर लो, बढ़िया मकान बनाओ, खूब ठाट बाट, शान शौकत, जो कुछ आपको करना है संसार में सब कर लो, धन से सब होता है। धर्म का फल अर्थ, अर्थ का फल काम, माने कामनाओं की पूर्ति। अब हम आपसे पूछ रहे हैं क्या काम का फल मोक्ष है? हमारी कामनाएं कुछ अवशिष्ट रह गई थी पिछले शरीर से, उनकी पूर्ति के लिए वर्तमान जीवन मिला है। हमारी कामनाएं ही हमारे पुनर्जन्म का कारण है, तो काम से तो मोक्ष नहीं होता है। आत्मा राम आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम जो पुरुष होते हैं वे ही मोक्ष के अधिकारी होते हैं। काम का फल मोक्ष नहीं है, इसका अर्थ है कि हमारी समझ ठीक नहीं है। धर्म का फल है मोक्ष और अर्थ जो है वो धर्म के लिए है। भगवान ने जो कुछ सामर्थ्य आपको दी है वह अच्छे कार्यों को करने के लिए दी है। वो अच्छे काम करने के लिए दिए। आपको जो कुछ भगवान ने दिया है उसमें से कितने पर आपका अधिकार है? आपका माने हम सबका। यावत् भ्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम हि देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। जितने से पेट भर जाता है उतने पर ही हमारा अधिकार है, इससे अधिक को जो अपना मानेगा वो चोर है।
और चोर को तो सजा मिलती है। हम भूखे न रहें, हमारा पेट भर जाए, उतने पर हमारा अधिकार है। इसके अतिरिक्त जो भगवान ने दिया है वो सेवा के लिए दिया है, अच्छे कार्यों के लिए दिया है। वो अच्छे कार्यों के लिए दिया है। तो धर्म का फल है मोक्ष, और अर्थ जो है वो धर्म के लिए है, तो काम का फल क्या है? बाबा ऐसो कोई व्यक्ति खोज के ले आओ जाके सबरी कामनाएं पूरी है गई हों, मिलेगो? हाँ मिलेंगे। कौन मिलेगा? जिसने कामना को ही लंबी डंडौत कर ली, कामना करना ही छोड़ दिया, इच्छा करने ही छोड़ दिया, उसकी तो सब कामनाएं पूरी हैं, इनकी क्या कामना होगी? इनकी कामना होती अनंत दास जी महाराज की तो इतना खिलखिला के हंसते थोड़ी। ये जो निरंतर हंसते रहते हैं ये इनकी अकामता ही है। एक इंच भूमि कहीं ऐसी नहीं है जिसको ये अपनी कह सके। कहीं कोई बताओ, कोई प्लॉट पड़ा है? एक रुपया नहीं है संग्रह के नाम पर, निजी संग्रह के नाम पर, जिसको ये अपना कह सके। और कपड़े भी जितना शरीर पर पहरे हैं उतने ही हैं, दूसरी जोड़ी कपड़ा भी नहीं रखते, इसलिए रात को इसको धो के सुखा देते हैं, सुबह इसी को पहन लेते हैं। और पूरी गृहस्थी या झोली में है, भगवान जी ने कहा या झोली में है। हंसमुख बाबा कामना करना छोड़ दिया, उसकी सब कामनाएं पूरी है। कामना करने वाले की तो कोई कामना कभी पूरी होती नहीं, क्योंकि एक कामना के साथ अनेकों कामनाएं पंक्तिबद्ध होकर खड़ी है। एक पूरी बहनी को से उससे संबद्ध अनेक कामनाएं पंक्तिबद्ध होकर के खड़ी है। कामना करना तो काम का स्वरूप क्या है? लाभो जीवे तयावता, जितने में हमारे जीवन का निर्वाह हो जाए उतनी कामना, उसमें बंधन नहीं। आपको भूख लगी है तो भोजन की इच्छा होगी, वो तो क्या शरीर का धर्म है, वो कामना कोई कामना नहीं। आपको प्यास लगी है, पानी पीने की इच्छा होगी। सर्दी लग रही है, आपको कंबल ओढ़ने की इच्छा होगी, वो कोई कामना नहीं। कामना का अर्थ है उतनी कामना का आदर करना जितने में हमारे जीवन का निर्वाह हो जाए, वो कामना बंधनकारक नहीं है। पूज्य श्री राधा बाबा ने परम तत्वज्ञानी सदगृहस्थ संत श्रद्धे श्री सेठ जी से, श्री जयदयाल गोयनका जी से पूछा कि यद्यपि किसी पदार्थ के प्रति अब लौल्य नहीं है, लालच नहीं है खाने का, न कोई इच्छा होती कि अमुक चीज ही हमको खाने को मिले, लेकिन फिर भी जब मैं भिक्षा करने बैठता हूँ, श्री राधा बाबा ने पूछा, और कोई मीठा परोस है तो मैं मीठा अधिक खा जाता हूँ, तो क्या हमारे विवेक में कमी है या ज्ञान की कमी है या वैराग्य की कमी है? तो हमको समझ में नहीं आता। वैसे वैसे कोई लालच नहीं है किसी चीज़ को खाने का, लेकिन भोज प्रसाद पाने बैठते हैं तो मीठा अधिक खा जाते हैं। तो सेठ जी ने क्या उत्तर दिया? बोले पित्त प्रधान प्रकृति के जो लोग होते हैं उनका शरीर मीठा मांगता है,
आपके शरीर में पित्त की कमी होगी, जिस वस्तु की कमी होती शरीर वो वस्तु मांग रहा है, उसमें आप खाने वाले खिलाने वाले आप कौन होते हैं? आपके शरीर की प्रकृति है पित्त प्रधान होगी प्रकृति आपकी, इसलिए आपको मीठा अधिक रुचता है, मीठा आप अधिक खा जाते हैं, उसमें कोई आपके ज्ञान वैराग्य या विवेक में कोई कमी नहीं। ये है काम का स्वरूप। जितने में हमारी गुजर बसर हो जाए हमारे जीवन का निर्वाह हो जाए। जीवन का फल क्या है? इस प्रकार के जीवन का चरम फल क्या है? बोले जीवन का फल है जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मी भी। तत्व की जिज्ञासा यही जीवन का फल है, मनुष्य जन्म का फल है। मानव जीवन में ही यह इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए कि हम भगवान की प्रत्यक्षानुभूति करें, अपरोक्षानुभूति करें भगवान की। ये हमारे मन में इच्छा होनी चाहिए। इसलिए उपनिषद में लिखा है महाराज जी, यदि वर्तमान जीवन के रहते हुए उस परम सत्य को आपने पहचान लिया, जान लिया, उसकी अपरोक्षानुभूति कर ली, तब तो आपका यह मानव जन्म सफल हो गया। यदि चेत यह न आवेदी, यदि वर्तमान जीवन में उस तत्व को आपने नहीं जाना तो ततो महति विनष्टि, तो उससे बड़ा विनाश और कोई दूसरा नहीं है, इससे बड़ा घाटा और कोई दूसरा नहीं है कि भगवान ने अपनी अनुभूति के लिए हमें मनुष्य बनाया था, भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए हमें मनुष्य बनाया था और हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सके। ये जीवन का फल है, भगवान की प्राप्ति यही जीवन का फल है। श्री वृंदावन बिहारी, गाड़ी भिजवा तुरंत फटाफट। ये है श्रीमद् भागवत के अनुसार बाबा धर्म अर्थ काम मोक्ष इन पुरुषार्थ चतुष्टय का स्वरूप। तो वहां प्रथम स्कंध में तो इसको केवल संक्षिप्त रूप से परिभाषित किया, अब श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि विशेष रूप से इसको व्याख्यायित किया गया है चौथे स्कंध में, इसको विसर्ग लीला कहते हैं। इसमें धर्म का प्रकरण है। अब देखिए, धर्म के वंश में भगवान नरनारायण, और धर्म के वंश के प्रकरण में ही अधर्म के वंश का वर्णन है। अधर्म का अंतिम परिणाम क्या है? यातना और निरय। और एक विशेष बात है, इसी धर्म प्रकरण में धर्म के एक उत्कृष्टतम अंग को सविधि अनुष्ठान करने वाले दक्ष का चरित्र है। यज्ञ जो है ना, वो धर्माचरण का एक प्रयोगात्मक बहुत उत्तम स्वरूप है, प्रयोगात्मक स्वरूप धर्म का यज्ञ है। यज्ञ शब्द जो है यज धातु से निष्पन्न होता है, और यज धातु के कितने अर्थ हैं? प्रसिद्ध अर्थ हैं यज धातु के, यज देव पूजा संगतिकरण और दानेशु। यज देव पूजा संगतिकरण दानेशु, देव पूजा संगतिकरण और दान, इन तीन अर्थों में यज धातु प्रसिद्ध है। अब देखो, दक्ष के यज्ञ में सविधि देव पूजन हो रहा है, क्योंकि कोई आज के युग का कोई आचार्य नहीं है, साक्षात भृगु जी आचार्य हैं, और यजमान भी ब्रह्मा जी का मानस पुत्र दक्ष है, जो द्वितीय ब्रह्मा के समान वेदज्ञ है। पुष्पदंताचार्य ने तो कहा क्रिया दक्षो दक्षा,
कर्मकांड में अत्यंत कुशल है दक्ष, आचार्य परम विद्वान और यजमान भी वैसे ही कोटि का विद्वान, इसलिए कोई अविधि वहां नहीं है। सविधि देवताओं का यजन है। और वेद के गंभीर विषयों पर वहां शास्त्रार्थ भी है, चर्चा भी है, संगतिकरण भी है और दान भी है। दक्ष में कोई कमी नहीं है, दक्ष के यज्ञ में कोई कमी नहीं है, फिर भी दक्ष जैसे एक श्रेष्ठ यजमान का कृत्य, भृगुजी जैसे एक समर्थ आचार्य के आचार्यत्व में किया गया यज्ञ सफल नहीं हुआ। और यज्ञ में ब्राह्मणों को जो दक्षिणा मिली है, क्या करें, भगवान करे ऐसी दक्षिणा कभी ब्राह्मणों को न मिले। दक्ष यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मणों में से कोई यदि विराजमान होंगे तो वे बड़े बड़े इतिहास तो भुला दिए होंगे, लेकिन दक्ष यज्ञ की दक्षिणा न भुला पाए होंगे। रुद्रगणों ने बहुत पिटाई की, ऐसी होती है। एक हमारे पास एक पंडित जी पढ़ते थे, पहले हम कथा नहीं कहते थे, कम कहते थे और ज़्यादा समय वृंदावन में ही रहते थे, तो सवेरे वेद पढ़ाते थे और इसके बाद फिर व्याकरण, फिर शाम को थोड़ी देर भागवत, फिर वाल्मीकि रामायण, अंतिम में साधुओं के बीच में बैठ के थोड़ी देर भक्तमाला। तो सवेरे से लेके शाम तक पढ़ने पढ़ाने में ही चला जाता। एक पंडित जी आते थे पढ़ने के लिए, अच्छे थे, व्याकरण भी पढ़ते थे और गृह शांति भी पढ़ते थे, ठीक थे। तो वो 6-7 दिन बाद आए तो हमने कहा, रे आप कहाँ चले गए थे, आप पढ़ने आते थे। उन्होंने कहा कि गुरुजी हम एक कार्यक्रम में चले गए थे, यज्ञ हो रहा था। अब जगह का नाम हम नहीं लेंगे क्योंकि उस शहर का नाम लें और उन लोगों का नाम लें तो अच्छा नहीं है, इसलिए बड़े शहर की बात है, मध्य प्रदेश के। तो बोले गुरुजी कमरे से रहते हैं तो कुछ ना कुछ खर्च की ज़रूरत तो पड़ती है, आपसे पूछते तो आप मना कर देते कार्यक्रम में जाने के लिए, इसलिए आपसे हमने पूछा नहीं, यज्ञ में गए थे। बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। दक्षिणा मिली तो बोले गुरुजी कुर्ता और बनियान उतार के दक्षिणा दिखानी पड़ेगी। आश्चर्य हुआ। तो वो शास्त्री जी ने, सत्य बात बता रहा हूँ आपको, शास्त्री जी ने कुर्ता उतारा, बनियान उतारी तो पीठ पर लाठियों के निशान थे। अरे राम राम, ये क्या। बोले महाराज अमुक जगह यज्ञ में गए थे, व्यवस्था का नाम निशान नहीं था, 1100 ब्राह्मण थे, बहुत बड़ा यज्ञ था। आपको याद है यज्ञ की बात, मदन मुंदा जी को पता होगा, सन हमें याद नहीं। और फिर वहाँ जब ऐसा कुछ हुआ तो पंडितों ने फिर यूनियन बनाया, यज्ञ नहीं यह धंधा है, बाबा नहीं यह गुंडा है, कह के नारेबाजी शुरू करी। तो वो महात्मा जी जो थे उनका अधिकारियों में मंत्रियों में प्रभाव था, उन्होंने पुलिस विभाग को फ़ोन कर दिया और पुलिस ने बोले महाराज ये पिटाई करी, हम लोग सब कोई सामान छोड़ के भागे, कोई कैसे भागे, ऐसे ये यज्ञ की दक्षिणा है। हमको तो लगा बिना पूछे चले गए, इसी से ये हुआ। हमने कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा भी होता है। वो तो कम मिली होगी, रुद्रगणों ने कैसी दक्षिणा दी होगी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सफल क्यों नहीं हुआ, उसका कारण है उद्देश्य की पवित्रता से कर्म पवित्र होता है।
पवित्र कर्म भी अपवित्र उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाएगा, उसका उद्देश्य अपवित्र होगा तो पवित्र कर्म भी अपवित्र हो जाएगा। माला जपना बड़ा पवित्र काम है, पर किसी का अनिष्ट करने के लिए आप माला फेर रहे हो, किसी का बुरा करने के लिए, मारण मोहन आदि के लिए, मारण मोहन उच्चाटन आदि क्रिया के लिए आप कर रहे हो, माला फेर रहे हो, तो ऐसी माला फेरने वाला भी अधोगति को जाएगा। कर्म तो अच्छा है पर उसका उद्देश्य अच्छा नहीं है। दक्ष का जो यज्ञ था उस यज्ञ का उद्देश्य क्या था? उस यज्ञ का उद्देश्य था महादेव का तिरस्कार, भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए ही यज्ञ किया गया, इसलिए सब यज्ञ नष्ट हो गया। देव पूजा तो हो रही थी बाबा, पर देव पूजा का प्रयोजन था महादेव का तिरस्कार। शास्त्र विषयक गंभीर विषयों पर चर्चा तो हो रही थी, संगतिकरण तो हो रहा था, पर वहां स्पष्ट निर्देश था कि शंकर जी का नाम वहां नहीं लिया जाएगा। शंकर जी की बात कहने वाला कोई व्यक्ति, पुराण में तो लिखा है कि यज्ञ के आरंभ में ही घोषणा कर दी गई, शिव जी को मानने वाले, शिव जी के मंत्र से दीक्षित, शिव जी के उपासक, उनको यज्ञ में कोई स्थान नहीं है, वो यहां से निकल जाएं। अब से पुराण उठा करके देखें, सबसे पहले महर्षि दधीचि उठ करके खड़े हुए, बोले भगवान शिव मेरे उपास्य आराध्य में उनका त्याग नहीं कर सकता, मैं इस यज्ञ को छोड़कर जा रहा हूं। तमाम ऋषियों ने यज्ञ छोड़ के चले गए। वहां संगतिकरण क्या होगा जहां रागद्वेष का वातावरण बना हुआ है? गरीब बाप भी घर में बेटी आती है तो खाली हाथ बेटी को नहीं भेजता, कुछ ना कुछ देता है, साधारण सी धोती दे या श्रीफल दे या 125 रुपया ही दे, पर गरीब बाप भी कुछ ना कुछ बेटी के हाथ में देता है कि नहीं देता? पर दक्ष अपनी पुत्री सती का आदर नहीं कर सके और सती को दक्ष के यज्ञ में अपने प्राणों का विसर्जन करना पड़ा। तो न तो देव पूजा ठीक रह गई, न संगतिकरण रह गया और न दान रह गया। पुत्री दान मान की अधिकारिणी है, उसको ही नहीं मिला तो ब्राह्मणों को क्या मिलेगा? इसलिए धर्म में दिखावा नहीं चाहिए, धर्म का आचरण शास्त्र विधि से हो और ईमानदारी से हो, हमारे सहित सबका कल्याण हो, यही भाव किसी भी धार्मिक आयोजन के मूल में रहना चाहिए। हमारे पूर्वजों का कल्याण हो, हमारा भी कल्याण हो, जहाँ तक लोग सुने वो लोग भी भजन के मार्ग में लग जाएं, अच्छी प्रवृत्ति में लग जाएं, यही उद्देश्य है कार्यक्रम का। नहीं तो आप सब लोग कहाँ कहाँ से आए हैं, अपना सब घर द्वार छोड़ करके, धंधा पानी छोड़ के यहाँ आए, किस लिए आए हैं? इसलिए तो आए हैं कि 7 दिन गिरिराज जी की तरहटी में बैठ करके और कुछ अच्छी बात सुनने को मिल जाएगी तो हम लोगों के जीवन में अच्छे संस्कार पड़ेंगे, हमारा गृहस्थाश्रम सुखमय होगा, हमारा जीवन आनंदमय होगा, हम दूसरों के लिए भी उपयोगी बन जाएंगे और स्वयं के लिए भी उपयोगी बन जाएंगे। दक्ष का यज्ञ सफल नहीं हुआ, यह है धर्म का प्रकरण। इसलिए धर्म ठीक से हो, धर्म के वंश का ठीक से श्रवण करने पर पता चल जाता है कि धर्मनिष्ठ व्यक्ति के जीवन में इतनी विशेषताएं अपने आप आ जाती है। दूसरा प्रकरण है ध्रुव जी का चरित्र। ध्रुव जी का चरित्र जो है वो अर्थ प्रकरण है, अर्थ रूपी पुरुषार्थ का निरूपण है। ध्रुव जी को अर्थार्थी भक्त माना जाता है। ध्रुव जी भगवान के विशिष्ट भक्त हैं। महाराज मनु के पौत्र हैं,
उत्तानपाद के पुत्र हैं श्री ध्रुव जी। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, बड़ी का नाम है सुनीति, छोटी का नाम है सुरुचि। सुनीति के पुत्र ध्रुव हैं। भविष्य पुराण के अनुसार गोवत्स द्वादशी का सविधि अनुष्ठान करने के फलस्वरूप श्री सुनीति ने ध्रुव जी को प्राप्त किया और सुनीति ने ही अपनी बहन सुरुचि को गोवत्स द्वादशी व्रत का उपदेश किया और उसने भी सवत्स सविधि कार्तिक कृष्णा द्वादशी गोवत्स द्वादशी का व्रत किया, उसके फलस्वरूप उत्तम नामक पुत्र से प्राप्त हुआ। पर सौती अडा हो गया। एक दिन की बात है, ध्रुव जी अपनी अपने पिता की गोद में बैठे थे। ध्रुव जी ने देखा कि उनका छोटा भाई उत्तम उनके पिता उत्तानपाद की गोद में बैठा है। तो बालकों की स्वाभाविक रुचि होती है कि देखा होगा घरों में भी, एक बालक गोद में आ जाएगा तो दूसरा अपने आप मचल जाएगा गोद में आने के लिए। ये बालकों की स्पर्धा होती है छोटे बच्चों की। अब देखिए बाबा उत्तम तो है 4 वर्ष का और ध्रुव जी हैं 5 वर्ष के। अपने छोटे भाई को अपने पिता की अंक में बैठे हुए देखकर ध्रुव जी का मन भी मचल पड़ा, मैं भी अपने पिता की गोद में चढ़ूं। और पिता भी बड़े स्नेहपूर्वक ध्रुव जी को अपनी अंक में लेना चाहते थे। उसी समय सुरुचि ने देख लिया और ध्रुव जी का हाथ पकड़ करके दूर छिटक दिया और कहा कि अरे नादान बालक, यद्यपि तू महाराज का ज्येष्ठ पुत्र है, राजकुमार है, लेकिन महाराज की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। नवत्स नृपतेर्धिष्ण्यं भवानारोहति न गृहीतो। तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं। क्यों? क्योंकि तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। तेरा अपराध केवल इतना ही है कि मेरी सौत के पेट से पैदा हुआ, इसलिए नहीं बैठ सकता। महाराज उत्तानपाद को कहना चाहिए था कि किसी का भी बालक गोद में बैठ सकता, पर मेरा ही ज्येष्ठ पुत्र मेरी गोद में क्यों नहीं बैठ सकता? तो कितनी निर्दया है, गोद में बिठाना चाहती, बैठने हुए बालक को रोकना चाहती। पर उत्तानपाद कुछ नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? स्वामी जी, हमारे धर्म शास्त्रों में नारियों के आदर की बात लिखी है। वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति नारी का जैसा आदर करती है वैसा आदर विश्व का कोई मत पंथ, नारी का ऐसा आदर और कोई न आज तक किसी ने किया है न आगे कोई कर सकता है। वैदिक हिंदू सनातन पद्धति में नारी का बहुत आदर है, स्त्री का बहुत आदर है। स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, नारी का सम्मान करना चाहिए, ये बात तो हमारे धर्मशास्त्र में लिखी है। पर स्त्री में आसक्त पुरुषों की बड़ी निंदा हमारे शास्त्रों में लिखी है, जिसको हम अपनी भाषा में कहेंगे तो स्त्रैण, स्त्रैण पुरुष की बड़ी निंदा है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में लिखा है, किम विद्या किम तपसा किम योगेन श्रुतेन वा। उस व्यक्ति की विद्या से क्या प्रयोजन, वो चाहे जितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो, बहुत बड़ा तपस्वी है तो उसकी तपस्या से क्या प्रयोजन। बहुत बड़ा योगी है पर उसके योग से क्या प्रयोजन। स्त्री वीर्यस्य मनोहृतम, स्त्रियों ने जिसके चित्त पर अधिकार कर रखा है
स्त्रैण पुरुष विवेक शून्य हो जाता है। इसका प्रमाण है उत्तानपाद, और बाबा आगे आप देखेंगे तो स्वयं उत्तानपाद कहें स्त्रैणेन अकरुणात्मना, अपने को स्त्रैण कहा उत्तानपाद ने, मैं स्त्रैण हूं। स्त्री में आसक्त पुरुष उसका भीतर से आत्मबल समाप्त हो जाता है। वो देवी कह देगी कि दिन में दोपहर में कह देगी कि रात के 12 बज रहे हैं, तो उनको हाथ पैर जोड़ के कहना हाँ देवी बिल्कुल रात के 12 ही बज रहे हैं, उसको कहना पड़ेगा, सब चौपट हो जाता है उसका। नारी का आदर करो, पर विषयी लोलुप पुरुष की तरह अत्यंत आसक्त मत हो, क्योंकि आसक्त होते ही तुम्हारा विवेक नष्ट हो जाएगा। विवेक नष्ट हो जाएगा तो तुम मनुष्य नहीं रह माने जाओगे। विवेक प्रधान विचार प्रधान सृष्टि ही मनुष्य की सृष्टि है, आप मनुष्य की श्रेणी में नहीं माने जाओगे। एक व्यवहारिक बात कह रहे हैं, जीवन में पहले माता पिता आते हैं कि पहली पत्नी, कौन आता है जीवन में पहले? पहले माता पिता आते हैं, लेकिन प्रायः देखा ऐसा जाता है संसार में माता पिता की बात लोग तब तक मानते हैं जब तक ब्याह नहीं होता, और विवाह होने के बाद फिर पत्नी भक्त हो जाते हैं, फिर माता पिता की बात न मान के पत्नी की ही बात मानते हैं। मानो पत्नी की बात, लेकिन यह विचार अवश्य करो हमारे जीवन में पहले माता पिता आए कि मेरे जीवन में पहले पत्नी आई। आपकी मातृपितृ भक्ति ठीक होगी तो आपकी अधिकृता पत्नी सास ससुर का आदर करने वाली अपने आप हो जाएगी, उसे पता चल जाएगा कि मेरे पतिदेव अनन्य पिता माता के भक्त हैं, और मेरा भी गुजारा तभी होगा जीवन में जब मैं इनके इनकी सहधर्मिणी बनकर इनके माता पिता के प्रति श्रद्धा भाव और सेवा का भाव रखूंगी, तो ही मैं सुखपूर्वक यहाँ रह सकती हूँ। ये बात उसके भीतर हो जाएगी पक्की, घर में कभी कोई अशांति होगी नहीं, क्लेश होगा ही नहीं। पर स्त्रैण पुरुष अपना तो अकल्याण करता ही है, सारे वातावरण को विषाक्त कर देता है। नीचा सिर कर लिया, कुछ बोले नहीं, क्योंकि वे सुरुचि से दबे हुए थे, उसको रुष्ट नहीं कर सकते थे, उसको नाराज नहीं कर सकते थे। ध्रुव जी ने सोचा हमारे पिताजी कुछ तो कहेंगे हमारे पक्ष से, कुछ नहीं बोले तो उनको बड़ा बुरा लगा। बालकों की सामर्थ्य ही क्या होती है, बालानाम रोदनम बलम, बच्चों का बल है रोना। ध्रुव जी रोते हुए अपनी माता के पास आ गए, और जब माता के पास ध्रुव जी आ गए तो निशम्य तत्पौर मुखान्नितान्तम् सा विव्यथे यद्गदितम् सपत्न्या। यहाँ एक विशेष बात है, ध्रुव जी ने अपनी विमाता के दुर्व्यवहार की बात अपनी माता से नहीं कही। तत्पौर मुखान नितान्तम् श्रुत्वा, राजमहल के कर्मचारियों के द्वारा सुनीति माता ने सारी घटना को सुना। ध्रुव जी रो तो रहे हैं लेकिन ध्रुव जी कुछ बोल नहीं रहे, क्यों? बाबा भक्त की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि उसकी वाणी से कभी किसी की निंदा निकलती ही नहीं। ध्रुव जी भगवान के जन्मजात भक्त हैं, इसलिए ध्रुव जी की वाणी से अपनी विमाता की निंदा, अपने पिता के व्यवहार की निंदा का शब्द नहीं निकलता है। अब अपने अपने भीतर टटोल के देखो कि निंदा के शब्द हमारी वाणी से निकलते हैं कि नहीं। यदि निंदा के शब्द निकलते हैं तो हम भक्त कहलाने के अधिकारी नहीं। भक्त का सहज लक्षण है वह कभी किसी की निंदा नहीं करता। अनिंद्य निंदन वो तो महापाप है, अनिंद्य निंदन जो निंदा के योग्य नहीं उनकी भी निंदा करना ये तो महापाप है,
सत्पुरुष तो निंद्य की भी निंदा नहीं करते हैं। निंद्य माने जो निंदा के योग्य है उसकी भी निंदा नहीं करते। क्यों नहीं करते? निंदा के योग्य कर्म अमुक व्यक्ति ने किया, हमने पहले उसको देखा फिर सुना, तो दृष्टि और कारण इनके माध्यम से वह पाप वह दोष सबसे पहले हमारे अंतःकरण में आया, हमारे अंतःकरण को उस दोष ने मलिन किया। पाप तो दूसरे ने किया है पर हमने देखकर सुनकर अपने मन को गंदा कर लिया। इसके बाद फिर उस पाप का हमने वर्णन किया तो पहले वह पापी का पाप हमारे मन में आया, मन के बाद हमारी वाणी में आ गया, और जब मन वाणी में आ गया तो वह दिन दूर नहीं जो वही पाप क्रियात्मक रूप से भी तुमसे होने लग जाएगा। इसलिए न किसी की निंदा करो न किसी की निंदा सुनो। पर मान लो ऐसा अभ्यास हो गया हो कि बिना निंदा किए तो हमारा पानी भी नहीं पचता है, क्या करें? जिंदा रहने के लिए निंदा करनी पड़ेगी, क्योंकि पचता ही नहीं, पानी नहीं पचता, रोटी पचने की बात तो दूर है। तब संत श्री कबीर दास जी की दृष्टि का आदर करो। बुरा जो खोजन में चला, बुरा जो खोजन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपने दोषों को स्वीकार करो, भगवान के सामने रो, हे प्रभु मेरोई सब दोष कैसे देऊं नाथ ही खो, भगवान से पुकारो, वे दोष नहीं रहेंगे तुम्हारे जीवन में। भक्त का एक और असाधारण लक्षण है, भक्त की कोई निंदा करता है उससे भक्त को बिल्कुल पीड़ा नहीं होती। वो स्वयं तो किसी की निंदा करता नहीं, न सुनता है न करता है, और उसकी कोई निंदा करे तो उसके मन में पीड़ा नहीं होती है, वो प्रसन्न होता है। एक महात्मा हमारे महाराज जी के पास रहते थे, बहुत अच्छे संत थे, अब उनका शरीर नहीं है, महाराज जी के मित्र ही थे, लेकिन स्वभाव था उनका, उनका भी कोई दोष नहीं, उनका स्वभाव था। तो महाराज जी के ही पास रहकर उन्होंने सुदामा कुटी के अधिष्ठाता पूज्यपाद श्री सुदामा दास जी महाराज के सामने महाराज जी की बड़ी निंदा की। और निंदा का प्रयोजन बाबा एक ही था कि महाराज जी को वो कहें कि तुम चले जाओ, वो फिर प्रकाशन विभाग पुस्तकालय विभाग सारा विभाग मेरे जिम्मे हो जाए, मैं सब देखूं। और महाराज जी के एकदम निकट रहने वाले, महाराज जी उनको अपना मित्र कहते थे, मित्र करे सत्रिपुकी करनी। और उन्होंने पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज के कान भरना शुरू किए। देख महात्मा थे, ट्रस्ट में भी थे सुदामा कुटी के, उनका नाम था श्री विपिन बिहारी दास जी, गौड़ीय संप्रदाय परंपरा के थे वो, और अच्छे पढ़े लिखे थे, पहले बिहार विधानसभा में मार्शल पद पर थे वो। मार्शल एक बड़ी पोस्ट होती है, प्रशासनिक बड़े अधिकारी थे, बाद में विरक्त हो गए थे, फिर उन्होंने अच्छे विद्वान थे और ट्रस्ट में थे। तो पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज ने उनसे कहा कि वो अमुक अमुक संत महाराज जी के बारे में ऐसा ऐसा बोल रहे थे। अरे महाराज जी को इतनी भी खबर मिल गई ना
तो वे तो परम वीतराग हैं, एक क्षण नहीं लगा वो यहाँ से तुरंत चले जाएंगे और फिर आप किसी को उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए जिसने उनकी निंदा की उसको भगाओ यहाँ से। आप खबरदार ऐसी बात हमसे तो कह दी, दूसरे के सामने मत बोल देना। वो आए महाराज महात्मा, बोले महाराज जी हम आपसे एकांत में बात करना चाहते हैं। महाराज जी का स्वभाव तो आप सब जानते हैं, महाराज जी हमारे यहाँ सब एकांत ही है, कोई पराया तो है ही नहीं, बढ़िया ही बात होगी। नहीं महाराज जी एकांत में कहना चाहते हैं। महाराज ने कहा ठीक है, तो लोग चले गए, हम भी जाने लगे। उन्होंने कहा नहीं ये बैठ सकते हैं। तो महाराज ने कहा ठीक है बैठ जाओ, हम बैठ गए। उन्होंने सारी बात कही। महाराज जी ने हाथ जोड़कर क्या कहा, श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज आप हमारी और पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी की प्रीति में भेद उत्पन्न नहीं कर सकते। अब तक जो उनको दूध मिलाई खिलाई जाती थी अब वह दुगनी चौगुनी कर दी जाएगी, क्योंकि श्री कबीरदास जी ने कहा निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी सावन बिना निर्मल करे सुहाए। जो लोग हमारी बड़ाई करते हैं वे ठीक नहीं कहते हैं, वे हमारी असलियत को जानते नहीं हैं, पर जिन्होंने हमारी निंदा की है वे ही हमारे सच्चे हितैषी हैं। इसलिए हमारे मन में उनके प्रति आप भेद उत्पन्न नहीं कर सकते, आप प्रसन्न रहें, चिंता नहीं करें। और अंतिम क्षण तक भी महाराज जी के व्यवहार में उनके प्रति अणुमात्र भी अंतर नहीं आया। इसको कहते साधुता, ये साधुता है। स्वयं कभी की निंदा किसी की भी निंदा महाराज जी की वाणी से आपने सुनी कभी? निंदा के योग्य की भी निंदा नहीं करते, और उनकी कोई निंदा करे तो हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। ये भक्त का असाधारण लक्षण है, क्योंकि महाराज जी क्योंकि निंदक में भी वे अपने आराध्य को देखते हैं, उनकी दृष्टि ब्रह्ममयी होती है, निंदक में भी अपने आराध्य को देखते हैं। श्री चरणदास जी का एक पद है, साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र हमारा। इतना बढ़िया पद है ये, हम लोग यदि समझ लें ठीक से तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। हमारी अमुक व्यक्ति बुराई कर रहा था, बहुत प्रसन्नता की बात है, करने दो। साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र हमारा। निंदक को Yeah.
जगत
कभी निंदा करना नहीं, निंदा सुनना नहीं। क्या लिखा है? राजर्षि परीक्षित का वचन, यद अधर्म कृतस्थानम सूचकस्यापि तद् भवेत्। यत अधर्म कृतस्थानम, पाप कर्म करने वाले पापी को जो पाप कर्म करने से होता है, वही पाप उस पाप कर्म की सूचना देने वाले को प्राप्त हो जाता है। निंदा करने वाले को वही पाप लग जाता है। एक कोई घटना ऐसी घटी थी जो इस देश के लिए बड़े कलंक की बात थी। उसकी पुनः स्मृति हमें करनी नहीं है, आप सबको पता है। अयोध्या में सत्याग्रही कार सेवक जो निहत्थे थे, उन पर गोली चलाई गई थी। बहुत रक्त रंजित हुए थे लोग। तो हमारे महाराज जी से किसी ने आकर पूछा, किसी संत नहीं पूछा, भक्तमाली जी से, कि महाराज जी इतने भयंकर पाप कर्म की सजा तत्काल मिलनी चाहिए, जिसके शासन काल में ऐसा हुआ उसको सजा क्यों नहीं मिल रही? महाराज जी तो बड़ी विलक्षण टिप्पणी करते थे। महाराज जी बोले, पाप कर्म का फल मिले तो तब, जब कोई उसके पाप कर्म की निंदा न करे, सूचना न दे। सब ने एक दूसरे से निंदा करके सब पाप घटा दिया है, इसलिए नहीं मिल रहा है। कितनी सटीक बात है। बोले, उसकी निंदा कर करके सबने हिस्सा बांट लिया।